नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके हमारे अपने ही चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाले, इस वीडियो में फुटबॉल का मैच जो कवर करने वाले हैं, यहाँ पे सेल्विया मेरोज वर्सेस रॉक ब्रस के बीच में जो ये मैच होने वाला है, बात करेंगे तो SLA वर्सेस RKH के बीच में जो ये मैच होने वाला है, यहाँ पे इस मैच की जो है टीम जो है हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो है दोनों टीमों के जो है रिकॉर्ड बताऊंगा, दोनों टीम को क्या स्टैट्स रहने वाले हैं वो रिकॉर्ड बताऊंगा, क्या गोल फॉरवर्डिंग रही है, क्या गोल अगेंस्ट रहे हैं, उन सब की न्यूज़ जो मैं आपको दूंगा। फिर आपको मैं जो है दोनों टीम्स की जो है टीम जो है क्रिएट करके दूंगा यहाँ पे, जिसमें आप जो है ग्रैंडिंग और स्मॉली की टीम जो है क्रिएट करेंगे हम, और आपको बताएंगे आपके पास जो है कैप्टन वाइस कैप्टन की क्या चॉइस आएगी, अगर आप हेड टू हेड जाते हैं, अगर आप थ्री मेंबर जाते हैं, और अगर आप ग्रैंडिंग और स्मॉली में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन की जो है क्या चॉइस आ जाती है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है स्टैट्स की तरफ जो है लेके चलेंगे। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल्विया मोरा 7 नंबर क्लब रैंक पे, रुक ब्रिज 13 नंबर क्लब रैंक पे। दोनों टीम की बात करेंगे तो दोनों टीम का ये चौथा मैच होने वाला है, और दोनों टीम जो है 3 मैच जो है खेल चुके हैं। वहीं बात करेंगे तो सेल्विया को जो है मोस्टली प्लेयर जो है सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मैच जो है सेल्विया की साइड से जो है विन हुए हैं दोस्तों। वहीं रुक ब्रिज की टीम की साइड से 1 मैच जो है विन हुआ है। वहीं ड्रॉ की बात करें तो दोनों टीम की साइड से अभी भी कोई मैच जो है ड्रॉ नहीं हुआ है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें लॉस की तो यहाँ पे सेल्विया की साइड से 1 मैच जो है लॉस हुआ है, वहीं यहाँ पे रुक ब्रिज की टीम की साइड से 2 मैच जो है लॉस हुए हैं दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें गोलिंग क्या रहने वाली है, तो 5:5 की जो है यहाँ पे गोल फॉरवर्डिंग की और गोल अगेंस्ट चल रही है। 5:5 के मतलब ये होता है कि सेल्विया की साइड से 5 गोल जो है हुए भी हैं और 5 गोल जो अगेंस्ट भी हुए हैं। वहीं रुक ब्रेस की टीम की साइड से बात करूँ तो रुक ब्रेस की टीम की साइड से 1 जो है गोल हुआ है और 2 गोल जो अगेंस्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेल्विया की टीम की साइड से जो हमें आज के मैचेज में गोल फॉरवर्डिंग जो देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर रुक ब्रिज की टीम की साइड से हमें जो गोल कीपर की साइड से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली तो यहाँ पे क्लीन शीट भी जो है हमें जो है देखने को मिल सकती है, और ड्रॉ होने के मैच की जो है संभावना जो है हो जाती है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करेंगे पॉइंट्स की तो यहाँ पे 6 पॉइंट पे जो है सेल्विया की टीम चल रही है, और यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट पे जो है रुक ब्रिज की टीम जो है चल रही है, और यहाँ पे हमारी दोनों टीम जो है 7 नंबर और 13 नंबर क्लब रैंक पे जो है पता चल रही है, जिससे आपको पता चल जाता है कि सेल्विया की टीम जो थोड़ी सी जो स्ट्रॉन्ग होने वाली है रुक ब्रिज की टीम की साइड से दोस्तों। तो यहीं अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है क्या जो है प्लेयरों की चॉइस आने वाली है, और कैसे आप जो है ग्रैंडिंग और स्मॉल लीग की टीम जो है बना सकते हैं, और अगर आप हेड टू हेड में जा रहे हैं तो आपके पास लक्की प्लेयर कौन से होने चाहिए जिनको आप अपनी टीम में जो है ज़रूर लेके जो है चलेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों यहाँ टीम की न्यूज़ देने से पहले आपको बता दूँ, ये जो है हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे सभी भाइयों को जुड़ना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे हम आपको जो है फाइनल टीम न्यूज़ जो है दे देते हैं। कभी कभार आपको पता है लाइनअप में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, नए प्लेयर्स को जो है मौका मिल जाता है, जिसके कारण जो है यूट्यूब की टीम में थोड़ा बहुत ग्लिच होता है, थोड़ा बहुत एडिट हमें जो करना पड़ता है, जिसके कारण हम आपको जो है नई टीम जो है टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं @DreamElevenScorePlayer, नहीं तो आपको ईजिली जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आप उसके थ्रू भी जो है जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो सबसे पहले आपको जो है मैं आपका सारा जो है स्कोर कार्ड जो है सेट करके दिखा दूंगा। यहाँ देख सकते हैं आप जो पिछले मैचेस के जो है विनिंग स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपको जो है ईजिली विन होगा, और आपको हम बेस्ट टू बेस्ट टीम जो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम टीम के जो है स्कोर कार्ड और पॉइंट्स भी बता देते हैं, ताकि आपकी इजीली विनिंग हो जाए। यहाँ पे आपको हर एक मैचेस के जो क्लीन स्वीप जो देखने को मिलेगा, जब भी हमको यूट्यूब की टीम में जो अपडेट आते हैं उसका अपडेट भी आपको जो हमारे चैनल पे मिल जाता है, जिसके कारण आप एक अच्छी टीम जो क्रिएट कर पाएँ, और आपको लाइनअप भी जो प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपको जो प्लेयर्स की पोजिशन का जो है पता चल जाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर गोल फॉरवर्डिंग अगर हो सकती है तो इस प्लेयर के थ्रू जो हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है गोलिंग के जो है बहुत ही ज़्यादा जो है करीब है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जो टीम जो क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपनी टीम करवाना चाहते हैं तो। अगर कोई और अदर्स मैचेज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैचेज आते हैं, तो उनका अपडेट भी हम आपको जो है दे देते हैं दोस्तों। तो अब सबसे पहले आपको जो है टीम की तरफ लेके चलूंगा, यहाँ पे मैं दोनों टीमों को जो है कवर करने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को अब जो है पूरा देखना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जो है ज़रूर जाना, और अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी जो है कर देना दोस्तों। तो चलिए अब आपको जो है टीम की तरफ जो है लेके चलते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ बात करने वाले हैं हमारा जो सेल्विया और रुक ब्रिज का जो मैच होने वाला है, SLA वर्सेस RKH का मैच, इस मैच के जो हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप चाहें, अगर आप बोलो तो ग्रैंड लीग में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, और नहीं तो अगर आप चाहें तो आप स्मॉल कॉन्टेक्स्ट में जो आते हैं उनमें भी जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप हेड टू हेड जाना चाहते हैं तो हेड टू हेड भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आता है दोस्तों। अब बात करेंगे क्रिएट टीम वन, तो क्रिएट टीम वन में सबसे पहले जो दोनों टीम को जो सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोस्ट सिलेक्टेड प्लेयर जो कौन सी टीम के साथ हो रहे हैं उनके बारे में बात करें, तो आप देखेंगे गोलकीपर जो जा रहे हैं SLA का, डिफेंडर में भी SLA के जा रहे हैं, मिडफील्डर में भी SLA के जा रहे हैं,
और फॉरवर्ड में भी SLA को। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि मोस्टली प्लेयर जो है SLA की टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमें जो है SLA की टीम को जो है सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम हेड टू हेड में जाते हैं या अगर हम थ्री मेंबर में जाते हैं तो हमारे को SLA की टीम को जो है सपोर्ट करना है। वहीं अगर हम ग्रैंड लीग में जाते हैं और स्मॉल लीग में जाते हैं तो अगर हम RKH की टीम को सपोर्ट करते हैं और RKH की टीम की साइड से हमें एक अच्छा क्लीन स्वीप मिलता है तो हमारी ईजिली विनिंग हो सकती है और ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो नहीं तो आपको क्या करना है, आप अगर रिस्क लेते हैं, अगर आप दो या तीन टीम के साथ जाते हैं तो आपको ये रिस्क जो है ट्राई करना चाहिए, नहीं तो अगर आप एक टीम के जाते हैं तो आपको सेफ जाना चाहिए ताकि आप विनिंग जोन में जो है रहें दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करूँगा फॉरवर्ड से, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मेलनिकोव हमारे पास चॉइस आती है, जिनको मैं भूल के भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अभी तक हाईएस्ट पॉइंट जो है यही चल रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है कोटरोव हमारे पास एक चॉइस आएगी, यहाँ पे ए शुकी हमारे पास चॉइस आएगी। यहाँ पे इस मैच में ए शुकी के अलावा हमारे पास जी शैबो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन आते हैं, लेकिन जी शैबो आपके लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ से इनकी साइड से हमें जो है गोल कंसर्न नहीं मिला और यहाँ पे हमारे को जो है ए शुकी की साइड से गोल कंसर्न मिल गया तो हमारे को जो है पॉइंट्स में बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे को जी शैबो की साइड से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो हमारे लिए ये एक अच्छा मैच जो है हो सकता है दोस्तों। तो आपके पास चॉइस आती है यहाँ पे ए चुकी या जी शेल्फ, आपको जिसको लेके चलना है आप उसको लेके चल सकते हैं दोस्तों। फिर वहीं पे डिफेंडर से जो है वाई पेंटिया को मैं ट्राई करूँगा और यहाँ पे वाई पेंटिया के बाद जो है मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे हमारे पास जो SLA के जो है डिफेंडर होंगे यहाँ पे ए पॉपटॉप यहाँ पे गोलकीपर में आएंगे ब्रह्मसव को जो मैं ट्राई करूँगा। फिर उसके बाद बात करूँगा फॉरवर्ड से, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे 6 प्लेयर जो हो गए हैं SLA के, वही मैं जो SLA का जो है एक जो है वीजब को जो है ट्राई करूँगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ हमारे पास अब क्या ऑप्शन आते हैं वीजक के अलावा, दोस्तों मैं आपको बता दूँ वीजक के अलावा मैं जाता हूँ यहाँ पे ए चुकली, क्योंकि ए चुकली भी एक अच्छा ऑप्शन है तो ए चुकली को मैं नहीं चाहूँगा कि मैं मिस कर दूँ। फिर यहाँ पे ओ कटअप को जो है ट्राई करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड से पहले मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, फॉरवर्ड से मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं जिन दो ऑप्शन को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक फ्रस और यहाँ पे ए पेंट्रोव को मैं ड्रॉप इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अगर RKH की टीम की साइड से एक सेफ मैच देखने को मिला है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मिडफील्डर से हमारे पास जो है एक चॉइस आएगी यहाँ पे, अगर आप हम जो है ए पेट्रक को नहीं लेते हैं तो हमारे पास क्या चॉइस आती है, यहाँ हमारे पास आते हैं ऑक्सलब और डीग्रेग, ये चॉइस आती है ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला कि हम जो है दोनों टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक एक टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई प्रॉक्सी और जे विलियम्स इनको ट्राई करेंगे और यहाँ पे सी ऑक्सू को ट्राई करेंगे। तो हम ऐसी टीम जो है क्रिएट करेंगे क्योंकि हम जो है यहाँ पे अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम सपोर्ट कर रहे हैं हमारी जो SLA की टीम है ठीक है। तो टीम को जो है यहाँ पे कंटिन्यू करके कैप्टन हमारा यही रहने वाला है और वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक कोटा और एक चिंकी ठीक है, ये दो ऑप्शन आएंगे। लेकिन हमारे को क्या करना है, हमें जाना है जी शेफचैन के साथ, तो हम जी शेफचैन को वाइस कैप्टन जो है ट्राई करेंगे क्योंकि जी शेफचैन हमारे लिए एक सेफ ऑप्शन जो है हो सकता है। ये आप तब ट्राई करेंगे जब आप हेड टू हेड जा रहे हैं दोस्तों ठीक है। अगर आप जा रहे हैं ग्रैंड लीग, तो ग्रैंड लीग में मैं आपको बोलूँगा कि आप डिफेंडर से जाएँ क्योंकि यहाँ पर अगर 9 गोल होते हैं, मतलब एक भी गोल नहीं होता है, तो आप जो है डिफेंडर से जा सकते हैं और डिफेंडर में SLA के ही जो है दोनों प्लेयर जो है लेने हैं हमें, नहीं तो यहाँ पे आप मिडफील्डर से जाएंगे तो मिडफील्डर से भी आपके पास एक अच्छी चॉइस आती है अगर आप जाते हैं ग्रैंड लीग में। तो अगर आपको लगता है कोई गोल नहीं होता तो आप ग्रैंड लीग में ऐसे जा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे जा सकते हैं, ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन जो आता है दोस्तों। तो हमारे पास सबसे पहले एक टीम जो हमारे पास है ये हो गई है ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी टीम में हम बात करेंगे RKH के प्लेयरों की, तो यहाँ पे मोस्ट सिलेक्टेड प्लेयर कौन सा है, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है गोलकीपर एक ही प्लेयर के जो टीम का जो सिलेक्ट करेंगे, वहीं पर यहाँ पे RKH के हमने जो है प्लेयर जो है सिलेक्ट कर लिए, जो टॉप जो है चार प्लेयर होने वाले हैं उनको जो हमने जो सिलेक्ट कर लिया, आप देखेंगे टॉप चार प्लेयर लोगों ने सिलेक्ट कर लिए ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वार्टर है और एचिंग की, ये जो है बेस्ट रहने वाले हैं, सी ऑक्से और डी ब्रैंक सी हमारे पास बेस्ट रखते हैं, यहाँ आयन मिली और एक क्रंच। तो ये आएगी हमारे पास टीम जब हम जाएंगे सपोर्ट करेंगे हम RKH की टीम को। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रेस्ट के साथ जो है सी ओशू और ग्रिचक ये दोनों इनको जो सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मैं इनको मिस नहीं करूँगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को लगता है SLA की टीम के साथ गोल होता है तो यहाँ पे ये प्लेयर भी मिल रहे एक अच्छा ऑप्शन जो आ जाएंगे। वहीं अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँगा तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्स मेरे पास कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस आती है और वाइस कैप्टन की चॉइस में आएंगे मेरे पास सी कॉन्चू। अगर मैं बात करूँ ये टीम भी आप लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग में सोच रहे हैं 9 गोल बिना गोल के साथ अगर कुछ होगा तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं बिना गोल के साथ होगा, कोई गोल नहीं होगा, तो आपको जो है डिफेंडर से कैप्टन वाइस कैप्टन जो है ट्राई करना है और वो होंगे हमारे पास जे विलियम्स और ओ मिगो, ये दो ऑप्शन होंगे जिनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन जो है ट्राई करेंगे डिफेंडर से, अगर हमें लगता है कोई भी गोल जो है नहीं होने वाला दोस्तों।
तो यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों टीमें जो है बता दी। अगर इसी में कुछ भी चेंजेस कुछ भी अपडेट होगा उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, टेलीग्राम पे जुड़ना सभी भाइयों के जो वैसे ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अगर आपको टेलीग्राम पे नए जुड़े तो जुड़ जाएगा। और जो भाई यहाँ तक पहुँच चुका है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके देना जरूर जाना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो खत्म करेंगे और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत।